पिछले 20 दिनों से सेवानिवृत्त शिक्षकों के लंबित वित्तीय मुद्दों को लेकर सेवानिवृत्त शिक्षक गैर शिक्षण कर्मचारी और अधिकारी संघ क्रमिक भूख हड़ताल पर थे। आज धरने का दूसरा दिन है। सेवानिवृत्त शिक्षकों का बीमा मामला लंबित होने से चंद्र प्रमुख और प्रफुल्ल नागरले धरने पर बैठे हैं और 7 महीने पूरे होने के बाद भी संबंधित शिक्षकों को ग्रेजुएटी राशि नहीं मिली है। उनका वेतन का प्रस्ताव भी जिला परिषद स्तर पर लंबित है। चयन श्रेणी का मुद्दा कई वर्षों से हल नहीं हुआ है। सेवानिवृत्ति के समय जिला पुरस्कार की एक वेतन वृद्धि प्राप्ति होने के कारण वहां लाखों रुपए का नुकसान हो गया और संस्था की ओर से कुछ अन्य परेशानियां भी शुरू हो गई। इसलिए आंदोलनकारियों ने जल्द से जल्द उनकी मांगों पर प्रशासन को ध्यान देने की विनती की है। सेवानिवृत्त शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी व अधिकारी संघटना जिल्हा शाखा चंद्रपूरच्या वतीने या ठिकाणी दिनांक 6 फेब्रुवारी 2024 पासून साखळी उपोषण करत आहोत। साखळी उपोषणाचा मुख्य उद्देश की आमच्या ज्या काही रास्त मागण्या आहेत त्या पूर्ण करण्याच्या हिशोबाने आम्ही या ठिकाणी उपोषणासाठी बसलेलो आहोत। पहिली मागणी आहे आमची की सेवानिवृत्त झालेल्या जवळपास 354 शिक्षकांचे गटविमा प्रकरण प्रलंबित आहे, ते लवकरात लवकर निकाली काढण्यात यावे। दुसरा विषय आहे सेवानिवृत्त झालेले बरेचसे शिक्षक आहेत त्यांचं अंशदान आणि उपदानाची रक्कम अजूनही मिळालेली नाही। बऱ्याच शिक्षकांना PPO नंबर अजूनही मिळालेला नाही आणि आमच्या स्वतःचं संघटनेच्या वतीनेच बोलतो, परंतु आम्ही आम्हाला 2008 साली आदर्श शिक्षक पुरस्कार मिळाला होता, त्याची 5 लाख रुपये वसुली केली। आम्ही कोर्टातून जिंकलो ही केस, तरी पण 9 महिन्यापासून आम्हाला रक्कम अजूनही जिल्हा परिषद देत नाही। याच्या वेळ काढू धरणारा आम्ही कंटाळून आम्ही शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी व अधिकारी संघटना यांच्या वतीने दिनांक 26 पासून म्हणजे कालपासून आम्ही बेमुदत उपोषणाला बसलेलो आहोत। या शासनाचा जिल्हा परिषदेचा निषेध म्हणून आणि आमच्या मागण्या पूर्ण कराव्या या दृष्टीनं आम्ही कालपासून बेमुदत उपोषण करीत आहोत। सिंग विथ मी अँड फ्लाय विथ मी, एव्हरीबॉडी जस्ट रिजॉइस विथ मी। सिंग विथ मी अँड फ्लाय विथ मी, everybody just rejoice with me. Renaissance uses beams of excellence. Chalna hai zindagi, udna hai tera khwab, kadmon mein safalta hogi aur jhoomenge wo paav. Khushiyon ke tum pankh our staff is well educated and well responsive as well. We have sports culture, cultural activities and many more functions held in our college. In our college, multiple sports and cultural events held regularly. तेरह फरवरी को एक कार द्वारा साइकिल सवार को टक्कर मारने से गंभीर रूप से घायल हुए 56 वर्षीय व्यक्ति को 24 फरवरी को इलाज के दौरान मौत हो गई है। मृतक का नाम सुरेश गोंड घाटे है, ये श्रीहरिनगर मानेवाड़ा का निवासी बताया जा रहा है। 13 फरवरी को शाम 6:15 पर गोंड घाटे साइकिल से मनीष नगर से घर जा रहा था। बेसा से ओंकार चौक की ओर जाते समय सहांद्री लॉन के सामने जयवंत नगर की ओर से आ रही एक सफेद कार MH40 CQ
39-64 ने उन्हें टक्कर मार दी। इसमें वह साइकिल से सड़क पर गिर गया और उसके सिर, पेट, छाती, दाएं और बाएं हाथ में गंभीर चोटें आईं। उन्हें तुरंत इलाज के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान 24 फरवरी को उनकी मौत हो गई। अजनी पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और फरार कार चालक की तलाश कर रही है। आगे की जांच पुलिस कांस्टेबल अरुण कोल्हे द्वारा की जा रही है। इस घटना से गोंडघाटे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और सबकी आस अब पुलिस की कार्यवाही पर टिकी हुई है। माना पालाचा ना त्यागो त्याचा पसारा लई बाई वाढला रुसवा नको ग बाई कुणाचा मोठ्यांनी उतारा काढला लगीन घाई सुचून दे खरे दिने पना काढला खरे दिला वरसी दिने उत्साह नवा आणला बांधला बसता बांधला बांधला बसता बांधला बांधला बसता बांधला बांधला आणि क्वालिटी सोबत बरं का स्थिती आहे दर्शक आहे। वार्षिक छात्र उत्सव कार्यक्रम का आयोजन महाराष्ट्र शिक्षण प्रसारक मंडल द्वारा संचालित मैक्रोन स्टूडेंट एकेडमी द्वारा किया गया था, जिसमें प्रमुख रूप से MSPM ग्रुप के संस्थापक PS आबंटकर, उपाध्यक्ष पीयूष आबंटकर, डायरेक्टर अंकिता पीयूष आबंटकर, मैक्रोन स्टूडेंट्स एकेडमी की प्रिंसिपल राजत सिद्दीकी मैडम, ITI के प्रिंसिपल प्रकाश पिंपलंकर सर मौजूद रहे, जिसमें सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित और माँ सरस्वती को वंदन कर की गई। साथ ही फूलों का गुलदस्ता देकर अतिथियों का स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि ने अपना भाषण देते हुए कहा कि करियर के लिए उस क्षेत्र का चयन करना चाहिए जिसमें हम अच्छा काम कर सकें। जिस क्षेत्र में हमारी रुचि हो उस क्षेत्र को पसंद करने से ही नहीं बल्कि करियर चुनने के बाद जिस क्षेत्र में हम रुचि रखते हैं उसी क्षेत्र में सफलता मिलती है। निरंतर मेहनत के साथ काम करे स्पर्धा परीक्षा का क्षेत्र अपने चरम पर पहुंच गया। उन्होंने छात्रों को उनके कर्तव्य के बारे में भी जागरूक किया और उन्हें एक उज्ज्वल भविष्य, अपनी उपलब्धियों और प्रगति पर विचार करने और भविष्य के लिए लक्ष्य निर्धारित करने का अवसर दिया। शिक्षकों का मार्गदर्शन ही हमारे उज्ज्वल भविष्य की शुरुआत है। आज का दिन हमारे जीवन का सबसे मददगार, यादगार दिन है जो मनोबल बढ़ाने, समुदाय की भावना को बढ़ावा देने और एक लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करने का एक शक्तिशाली उपकरण है। सूत्र प्रबंधन प्रोफेसर नवशाद सिद्दीकी ने किया। इस कार्यक्रम में सभी शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी शामिल हुए। खाने के शौकीनों के लिए खुशखबर, हैदराबादी ऑथेंटिक फ्लेवर अब चंद्रपुर में भी। जी हाँ, हैदराबाद स्वाद फैमिली रेस्टोरेंट, जहाँ आप पा सकते हैं हैदराबाद का ओरिजिनल टेस्ट, हैदराबाद दम बिरयानी, वेज नॉन वेज करी, साउथ इंडियन नाश्ता, चाइनीज तंदूरी कबाब, रानी चाय, बादाम मिल्क और भी बहुत लजीजदार खाना। इंडोर और आउटडोर में फैमिली के साथ बैठने की उत्तम व्यवस्था और सर्वोत्तम सर्विस, वो भी एकदम किफायती दामों में। हमारे यहाँ पार्सल और पार्टी के भी ऑर्डर लिए जाते हैं। एक बार अपने मित्र और परिवार के साथ अवश्य पधारें, आप दोबारा जरूर आएंगे, ये हमारी गारंटी। हैदराबाद स्वाद फैमिली रेस्टोरेंट, ऑथेंटिक हैदराबादी फ्लेवर, नियर क्रोमा शोरूम, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9327461997207556199।